वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे DBSE के सिलेबस में यूनिट 2 में कविता है पानी में गिरे हुए लोग, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ सिंह जी। आज हम इसी कविता से संबंधित संभावित प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े व्याकरण पर थोड़ा सा ध्यान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। बेटे, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी शब्द से मिलते जुलते यानी समान अर्थ बताते हैं। तो इस पाठ यानी कि पानी में गिरे हुए लोग में जो शब्द आए हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं, उन पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। प्रश्न में हमारे एक शब्द आया है पानी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द बनेंगे जल, नीर, वारि, अंबु। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द पानी के पर्यायवाची हो सकते हैं। जानवर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बनेंगे जंतु, मवेशी, पशु। घर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे आलय, निकेतन, गृह, सदन। मैंने गलती से दो बार आलय लिख दिया है, इसलिए आप ग्रह कर लीजिए। आँख शब्द के पर्यायवाची होंगे नेत्र, नयन, चक्षु, द्रव। इसी तरह दिन शब्द के पर्यायवाची होंगे दिवस, वासर, दिवा, वार। इसी तरह से सूरज के पर्यायवाची शब्द होंगे सूर्य, भानु, दिनकर, खासकर। इनके अलावा भी बेटे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो आप पर्यायवाची शब्द के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पाठ में आए शब्दों के विलोम शब्द। एक हमारा शब्द आया है आशा। आशा का विलोम शब्द होगा निराशा, विश्वास का अविश्वास, दिन का रात, भयानक का सुंदर या आकर्षक, कच्ची का पक्की, तेज का धीमा या मध्यम, तैरना का डूबना, बेचैन का शांत और अंदर का बाहर। ये हुए हमारे विलोम शब्द। इसके बाद हम प्रश्न एक पाठ से जुड़े हुए अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को एक बार ध्यान दें। इस पाठ में से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें से बन सकता है कि पानी में गिरे हुए लोग कविता के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कविता पानी में गिरे हुए लोग के लेखक श्री केदारनाथ सिंह जी। इसी तरह से दूसरा प्रश्न इस पाठ में से बन सकता है लोग किस तरह के पानी में गिरे हुए हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे लोग बाढ़ के पानी में गिरे हुए हैं। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न बन सकता है पानी में गिरे हुए लोग क्या नहीं करते, क्यों। तो हम उत्तर लिखेंगे पानी में गिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे खुद पर भरोसा रखते हुए बाढ़ के पानी में से बचकर निकलने के सभी प्रयास करते हैं। ये क्यों का जवाब है। इसके बाद प्रश्न बन सकता है पानी में गिरे हुए लोग पानी को किस प्रकार देखते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पानी में गिरे हुए लोग पानी को पूरे विश्वास के साथ देखते हैं। एक प्रश्न बन सकता है इसमें से कविता के अनुसार लोग अपना सामान लेकर कहाँ के लिए निकलते। इसका उत्तर हम लिखेंगे लोग अपना सामान लेकर पानी में से निकलकर कहीं भी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ वे अपने लिए एक अस्थाई घर बना सकते। अस्थाई यानी कि जो परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी। अक्सर वे पानी में से बाहर भी नहीं निकल पाते और पानी में ही कुछ खंभे गाड़ कर उन पर बोरियाँ या टाट बांध कर अपने लिए अस्थाई घर बनाते। इसके बाद प्रश्न बन सकता है बेटे कि पानी में गिरे हुए लोग अपना सामान कैसे लेकर निकलते। इसका उत्तर हम लिखेंगे पानी में गिरे हुए लोग अपना सामान अपने मवेशियों जैसे खच्चर, बैल, भैंस आदि की पीठ पर लादकर निकलते। इसमें से प्रश्न बन सकता है कि पानी में गिरे हुए लोग अपने साथ किस चीज की गंध लेकर आते हैं। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि पानी में गिरे हुए लोग अपने साथ पुआल की गंध लेकर आते।
एक प्रश्न बन सकता है कि पानी में गिरे हुए लोग आग को कहाँ बचा कर रख। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पानी में गिरे हुए लोग थोड़ी सी आग अपने चिलम में जरूर बचा कर रखते हैं। इसके बाद प्रश्न बन सकता है, लोग ऊंचे बांस पर क्या लटकाते हैं। तो बेटे कविता आपको याद आ रही होगी, में था कि लोग ऊंचे बांस पर अपनी कोई टूटी फूटी लालटेन लटका। इसके बाद प्रश्न बन सकता है कि लोग रात भर कैसे खड़े रहते हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, लोग मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डाले हुए रात भर खड़े रहते हैं। ये हुए हमारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। अब हम करेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिनमें हम प्रश्न का उत्तर 2 से 3 वाक्यों में देते हैं। तो पहला प्रश्न बन सकता है, बाढ़ आने पर लोग अपना अस्थाई घर कैसे बनाए। अस्थाई यानी कि टेम्परेरी। तो अस्थाई घर कैसे बनाते हैं, बाढ़ आने पर लोग जहाँ भी थोड़ी सी जगह मिल जाए वहीं कुछ खंभे गाड़ कर उन पर रस्सियाँ और बोरियाँ बांधकर अपने लिए अस्थाई घर बनाए। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि बाढ़ में वहाँ के आमजन क्या क्या सामान अपने साथ लेकर पानी से बाहर निकलते हैं। यहाँ हमें बेटे ध्यान देना है कि हमें कविता के आधार पर उत्तर देना है। कविता में जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं के आधार पर उत्तर देना है। तो हम लिखेंगे कि बाढ़ आने पर लोग अपने साथ भुने चने, आम की गुठलियाँ, खाली टिन और चिलम लाते हैं। वे अपने घर का सामान अपने जानवरों की पीठ पर लाद कर ले आते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है, भयानक बाढ़ के बीच में भी लोगों को क्या मिल जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, भयानक बाढ़ के बीच में भी लोगों को थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा आसमान जरूर मिल जाता है। इसमें चौथा प्रश्न बन सकता है बेटे कि कविता के अनुसार बाढ़ के पानी में क्या क्या बह जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, कविता के अनुसार बाढ़ के पानी में लोगों के मवेशी, पूजा की घंटी, महावीर की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें और दीवारों पर की गई चित्रकारी बह जाती। एक प्रश्न इसमें बन सकता है कि मध्यम रोशनी किस चीज की है। तो याद कीजिए बेटा, हमने पढ़ा था कविता में कि लोग लटका देते हैं एक टूटही लालटेन। तो वहाँ जो मध्यम रोशनी आ रही है वो किस चीज की है, वो तो मध्यम रोशनी टूटी फूटी लालटेन की। इसके बाद हम कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो कि इस कविता में से बन सकते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपने अपने शब्दों में लिखने होते हैं, आपको डायरेक्ट कविता में से नहीं मिलते हैं, सोच करके आपको अपने आप लिखना होता है। तो पहला प्रश्न इसमें से बनता है, बाढ़ के दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपने कहीं भी कोई बाढ़ देखी हो, चाहे असलियत में देखी हो या किसी टीवी सीरियल में देखी हो या किसी फिल्म में देखी हो, उसके हिसाब से आप बाढ़ के दृश्य को आप अपने शब्द में लिखेंगे। कब देखी, कहाँ देखी से शुरुआत करते हुए उसमें क्या क्या खास बातें आपने देखी, सभी का वर्णन करें। जैसे मैंने अपने जीवन में एक बार बाढ़ का दृश्य देखा है, वो तो कहाँ पर घटित हुआ था, वो बाढ़ कहाँ पर आई हुई थी, किस कारण आई हुई थी, वो आप बताएंगे। फिर वहाँ उस बाढ़ में आपने क्या क्या चीज़ें देखी वो आप लिखेंगे। और अगर आपने कहीं कोई बाढ़ नहीं देखी है तो आप इस कविता के आधार पर भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि बाढ़ आने पर क्या क्या होता है। तो लोग पानी भरा हुआ है, मकान टूट कर गिर रहे थे और वहाँ पर क्या है, लोग अपने मवेशियों की पीठ पर लाद करके सामान ले करके वहाँ से निकल रहे थे। कुछ लोगों ने बाहर निकल कर अपने लिए पानी में ही खंभे गाड़ कर अस्थाई मकान बना लिया था। और साथ में वो लोग अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे, कुछ कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ईंधन, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से लेकर के आए हुए। आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि कुछ लोग वहाँ पर फोटो खींचने के लिए पहुँचे हुए थे, लोग बाढ़ का दृश्य देखने के लिए पहुँचे हुए। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें से बन सकता है कि पानी में गिरे हुए लोग एक दूसरे को अपनी खबर कैसे पहुंचा। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि एक टूटही लालटेन लटका देती, या फिर पानी पर तैरती हुई आवाज़ वाली जो हमारी लाइन आई थी उनसे हमारा उत्तर बनेगा,
लोग अपनी खबर दूसरों तक पहुंचाने के लिए कहीं कोई उजाला कर देते हैं, कोई लालटेन जला देते हैं, कहीं कोई टॉर्च से संकेत देते हैं, या फिर तेज़ आवाज़ में पुकारते हैं उन लोगों को जो पानी के पार हैं। इस प्रकार वे लोग दूसरों को अपनी खबर पहुंचाते। तीसरा प्रश्न इसमें से बन सकता है कि बाढ़ में फंसे हुए लोग किस किस चीज़ के लिए विवश होते हैं। जो चीज़ें हमें बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, वो ना मिलें तो हम विवश महसूस कर सकते। उसी चीज़ को याद रखते हुए हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है खाने की, पीने के पानी की। तो यदि हमें बाढ़ में फंस जाने पर खाना ना मिले, पीने के लिए साफ पानी ना मिले, तो हम अपने आप को विवश महसूस करेंगे। इसके साथ ही मौसम के अनुकूल यदि हमें कपड़े ना मिले तो भी हम अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करेंगे। साथ ही दवाइयाँ और छोटे बच्चे यदि साथ में हैं तो उनका दूध, साथ ही रोशनी करने के लिए ईंधन जिसमें कि मोमबत्ती हो सकती है, मिट्टी का तेल हो सकता है या फिर टॉर्च हो सकती है, ये चीज़ें हमें ना मिलें तो भी हम अपने आप को विवश महसूस कर सकते। इसके बाद आपका प्रश्न बन सकता है कि बाढ़ आने की पूर्व सूचना मिलने पर, यानी कि यदि हमें पहले से पता चल जाए कि कहीं किसी जगह पर बाढ़ आने वाली है, तो किसी व्यक्ति को अपने साथ क्या क्या सामान लेकर निकलना है। पानी से आप कैसे निकलेंगे? जिस जगह पर बाढ़ आने वाली है उस जगह से आपको निकलना है। आपको पहले से पता चल गया है कि बाढ़ आने वाली है तो क्या क्या सामान लेकर निकलेंगे? इसका उत्तर बनेगा कि वही आएगा यहाँ पर, जिन चीज़ों के लिए व्यक्ति पिछले प्रश्न में विवश महसूस कर रहा था, वही सब चीज़ें अपने साथ लेकर के निकलेगा। अपने पैसे, अपने कीमती सामान, अपना घर में से खाने पीने का सामान, अपनी ज़रूरत के कपड़े, दवाइयाँ, दूध अगर नहीं होता तो मिल्क पाउडर, ईंधन, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब चीज़ें लेकर के व्यक्ति अपने घर से निकलेगा यदि उसे पता चलता है कि जहाँ पर उसका घर है वहाँ पर बाढ़ आने वाली है। तो इसे आप लिखेंगे और प्रश्न आपका बनता है कि कविता में छपाक की आवाज़ के साथ पानी में क्या गिरता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं भी कोई बाढ़ आती है तो पानी में क्या गिर सकता है। जहाँ से लोग आ रहे हैं निकल के, कुछ घर की कच्ची दीवारें गिरी हैं, आपने देखा कि बह गई, गिरती हैं दीवारें, तो कच्ची दीवारें गिर सकती हैं। कोई सामान जो लोग लेकर के आई हैं वो सामान गिर सकता है, या फिर जो अस्थाई मकान बना रहे हैं उसके खम्भे या उसकी छत गिर सकती है, या फिर जो उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाती है हवाई जहाज के माध्यम से, वो उनके बनाए हुए अस्थाई मकान में ना गिर करके अगर पानी में गिर जाती है तो वो भी छपाक की आवाज़ कर सकती है। ये सब चीज़ें तो कर सकती हैं, लेकिन साथ में ही केदारनाथ सिंह जी ने भी यहाँ पर बिंब प्रस्तुत किया है कि छपाक छपाक की आवाज़ आती है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने सिम्बॉलिक वे में भी कहा है कि जो व्यक्ति बाढ़ में फंसे हुए हैं उनकी हिम्मत अक्सर टूटती है, उनका आत्मविश्वास टूटता है, अक्सर उनकी उम्मीदें टूटती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पानी में गिर गई तो छपाक की आवाज़ आती है। लेकिन तब भी उन्होंने बार बार कहा है कि वो अपने अंदर अपने चिलम में थोड़ी सी आँच बचाए रखते हैं, इसलिए आप यहाँ पर कहेंगे कि अक्सर का मनोबल टूटता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं। तो पानी में छपाक की आवाज़ के साथ क्या क्या गिरता है ये आप अपने आप लिखें। ये था हमारा पाठ पानी में घिरे हुए लोग, जिसके संभावित प्रश्नों पर जो कि आपसे किसी पेपर में या किसी टेस्ट में या क्लास में पूछे जा सकते, पर हमने चर्चा की और साथ ही इससे जुड़ा हुआ व्याकरण हमने किया। यही हमारा ये पाठ समाप्त होता है, पानी में गिरे हुए लोग, जिसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह।